नर्मदापुरम में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। कल न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे इटारसी रेलवे स्टेशन पर वेंडर डिस्पोजल पैकेज को धोकर उसका दोबारा से यूज कर रहे हैं। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद रेलवे प्रशासन जागा और इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के खान पान स्टॉल को सील कर दिया है। तो प्रमुखता से हमने कल खबर दिखाई थी ये और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि इस तरह से जो यूज्ड डिस्पोजल थे, ये देखिए तस्वीर, पहली तस्वीर जिसमें यूज्ड डिस्पोजल्स को फिर से वॉश कर करके उसे रीयूज करने की तैयारी में ये वेंडर था। और इसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे थे कि आखिर आम जन के स्वास्थ्य से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, और अधिकारियों को भी ये बात बताई गई थी, उनके भी संज्ञान में आया था। अब एक्शन लिया गया है। शिवपुरी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। शिवपुरी के मणिखेड़ा में पानी की पाइपलाइन लंबे वक्त से खराब थी और मेला दुकानदारों ने बोर पर अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी वजह से स्थानीय निवासी पीने के पानी के लिए परेशान थे। न्यूज 18 ने यहां पानी की किल्लत को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन मौके पर पहुंचा, बोर को मेला दुकानदारों के कब्जे से मुक्त कराया। मणिखेड़ा की जली पानी की लाइन को ठीक किया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 का धन्यवाद भी किया। उसके बाद में टीम आई है, टीम आज दुरुस्त कर देगी इस लाइन को। आज हो जाएगी जी? जी सर, आज हो जाएगी। तो अब यहाँ की बस्ती को पानी मिलने लगेगा? जी सर, मिलने लगेगा। जब इनका टर्न होगा इस तरफ का, उस दिन इनको पानी मिल जाएगा। सर बहुत ही परेशान थे पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे। कल हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और इनके लिए न्यूज 18 की टीम आई थी सर, तो हमने उनसे बताया सर, उनने खबर चलाई है, तो सर ये आज काम स्टार्ट हुआ है, जल्द से जल्द बता रहे हैं पानी आ जाएगा आज। करो सर, न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।